हेलो गाइस दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर फर्स्ट प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर का तो वील सी समराइज इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग्स स्पेशली एज अप्लाइड टू अ लार्ज प्रोजेक्ट्स एंड इलस्ट्रेट्स मैथड्स फॉर डिस्कवरिंग इफेक्टिव एल्गोरिथम्स In the 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 process, we review many of of special features of the language C by the using to write program. So So let's get started, guys. So, एक करते हैं, से ही जाएंगे धीरे धीरे जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि मैं इस पूरी प्ले में आपके साथ में के सी स्टडीज के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ तो देखते हैं लार्ज कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करते समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा गोल क्या है मान लो कि आपके बॉस ने आपको बोला कि बाबू आज चलो एक ऐसा कंप्यूटर बनाते हैं ना कि वो ट्रैक करेगा हमारी इन्वेंटरीज को वो अकाउंटिंग uh, रिकॉर्ड्स को पर्सनल फाइल्स को वो हमें बताएगा कि कि कब हमारी इन्वेंटरीज को रीऑर्डर करने की जरूरत है और कब हमारी लागत बजट के बाहर है और ये पेरोल को भी हैंडल करेगा अब जो प्रोग्रामर है वो ये डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके से आपके जो स्टाफ है वो ये काम कर रहे हैं ठीक है भाई ये जो अप्रोच है मतलब वो इंटरव्यू करेगा अलग-अलग जो स्टाफ मेंबर्स है उनका इंटरव्यू करेगा वो पूछेगा कि सर आप जो इन्वेंट्रीज हैंडल कर रहे हो कैसे कर रहे हो हो सकता है कि किसी की टेक्निक ये हो कि है ना कोई मजदूर आ रहा है वो कितने घंटे काम कर रहा है उसको बता रहा है कि भैया ये वाला इतने घंटे काम कर रहा है ये वाला इतने घंटे काम कर रहा है वहीं दूसरे ने घंटे वाइज नहीं कर रखा है वो सिर्फ ये रखता है कि है ना एक दिन में आया है और Uh, मतलब आया और कितने बजे वो निकल गया वहाँ से उसने ये घंटे वाइज घंटे नहीं कर रखा है हर घंटे वो ट्रैक करता है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय है या नहीं है पहले वाला तो दूसरे वाला ये नहीं करता है वो ये देखता है कि आया कब और निकला कब तो सबकी अलग अलग टेक्निक है काम करने की वही अकाउंटिंग की भी सबकी अलग अलग टेक्निक है हो सकता है कि पहले वाला नाम पहले लिखता हो फिर एम्प्लॉय आई फिर बाद में उसकी डेट ऑफ बर्थ फिर बाद में उसका कितना सैलरी है पर मंथ वहीं दूसरे वाला एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ बर्थ से ये डिटरमाइन करता हो कि कौन सा एम्प्लॉय की आईडी क्या है उसकी पेरोल क्या है तो सबको सबका अलग-अलग मेथड है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हैंडल करने का तो जब आप एक प्रोग्रामर इंटरव्यू कर रहा होगा सभी स्टाफ मेंबर से और फिर बाद में इंटरव्यू करके वो तुरंत तुमको कोड करने की कोशिश करता है तो भाई साहब ये बहुत ही डिजास्ट्रियस अप्रोच है कैसे देखते हैं कि मान लो कि एक टास्क आपने लिया आपने एक इंटरव्यू करते समय किसी एक पर्सन से वो टास्क समझ लिया कि वो कैसे काम कर रहा है और आपने उसका जो टास्क है वो उसका जो काम है उसको कर दिया कोड ठीक है मतलब आपने समझा कि वो पर्टिकुलर पर्सन कैसे काम कर रहा है और फिर आपने उसको कोड कर दिया ठीक है अब सेकेंड टास्क आया क्या आया सेकेंड टास्क आया और आपको पता चला कि भैया ये जो सेकेंड टास्क है ये तो फर्स्ट टास्क के ऊपर डिपेंड करता है तो आपने रीडिजाइन किया फर्स्ट टास्क को आपने रीडिजाइन किया आप ऐसे करते करते क्या होगा कि जो वो आपका वो आपका प्रोग्राम है एक तरीके से रजाई के जो चित्रे होते हैं ना उनको जोड़कर हम कुछ एक रजाई बना रहे होते हैं छोटे छोटे चित्रों को जोड़ जोड़कर हम रजाई बना रहे होते हैं वो आपका प्रोग्राम भी वैसे बनने लग जाएगा अब उसके अंदर क्या होगा कि कुछ जो चित्रे हैं उनको तो आपने अच्छे तरीके से सील दिया कुछ जगह पर वो आ, मतलब ऐसे ही रह गए कहीं जगह पर वो फटे हुए हैं आप की रजाई के चितड़े तो अब ये होगा क्या इससे मान लो कि उसी रजाई के चितड़े के ऊपर आप एक बिल्डिंग से कूद रहे हो अब ये जो रजाई बनी है रजाई के आ, मतलब छोटे छोटे चितड़ों से जो ये रजाई बनी है इसके ऊपर आप एक बिल्डिंग से कूदे तो आप सोच सकते हो कि आपकी हालत क्या होगी ठीक है आप बचोगे या नहीं बचोगे इसी तरीके से आपका कोड काम करेगा कि जब आप चित्रों से एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हो छोटे छोटे से आप बार-बार में उसको रीडिजाइन करके कोड बना रहे हो तो एक बहुत ही डिजास्ट्रियस अप्रोच है ठीक है आपका कोड कब तक चलेगा आप भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और कौन सी प्रॉब्लम आएगी यू नॉट टेल इवन तो इट कैन बी एन डिजास्ट्रियस अप्रोच अब दूसरी चीज है कि जो मोस्ट ऑफ मेरे प्रोग्रामर दोस्त हैं वो क्या करते हैं ना वो पहले सोचते हैं कि चलो एक बड़ी प्रॉब्लम है उसका कैसे ना कैसे मैं सोल्यूशन निकाल लू कैसे कैसे ना जैसे मैं मैं, उसका सोल्यूशन फाइंड कर लूँ और फिर मैं उसको अच्छा बनाऊंगा फिर उसके अंदर मैं कमेंट्स डालूंगा फिर उसको मैं सही करूँगा तो पहले तो वो सारा बना लेते हैं फिर बाद में उनका कोड टेस्टिंग के टाइम पे जब वो कोड रन करके देख रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि उनके कोड में लॉजिकल एरर है या फिर बाद में सिमेंटिक है या सिंटेक्स वो पता ही नहीं लगा पाते क्यों क्योंकि वो कोड अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेड नहीं है आप ट्रेस नहीं कर सकते हो अगर आप प्रॉपर जगह कहाँ स्का फोल्डिंग डालनी है आपको ये भी नहीं पता कि स्टब्स ड्राइवर्स आप किसी तरीके से उनको यूज नहीं कर रहे हो ठीक है आप डायरेक्ट अप्रोच अपनाए हो कि मेरे को कोड बनाना है किसी तरीके से मेरा कोड चल जाए और जैसे वो चल जाए फिर बाद में मैं उसको अच्छा बनाऊंगा लेकिन अगर उसके अंदर अनवांटेड प्रॉब्लम आई उस टाइम पे क्या करोगे आप so, सो देखिए एक एक प्रोग्राम को uh, मतलब बनाने के हजारों तरीके हो सकते हैं मतलब वन प्रॉब्लम कैन बी हैव मैनी सोल्यूशन लेकिन बीइंग एन प्रोग्रामर ये हमें डिसाइड करना है कि विच प्रॉब्लम अ बेटर सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम का कौन सा बेटर सॉल्यूशन हो सकता है बीइंग एन प्रोग्रामर ये हमें डिसाइड करना है ठीक है अब उसके अंदर क्या होगा एल्गोरिदम डिजाइन के अंदर हमारे पास में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं कि हाउ दे आर अरेंज इन रिलेशन टू ईच अदर ठीक है किस तरीके से हमें डेटा आर कैप्ट इन मेमोरी अगर हमें डेटा को मेमोरी के अंदर रखना है तो डेटा को किस तरीके से हम मेमोरी के अंदर रखेंगे विच आर कैलकुलेटेड वेन नीडेड मतलब कौन सा डेटा उसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है जब हमें जरूरत पड़ेगी एंड विच आर कैप्ट इन फाइल्स एंड हाउ द फाइल्स आर अरेंजड this is very tedious task so how our code behave in different conditions this is very important point guys ki alag alag conditions mein hamara code kaise kaam karega usko properly document karna hame bahut hi necessary hai हमें different different conditions के ऊपर satisfy करना अपने आप को satisfy करना पड़ेगा कि ठीक है हमारा code different condition में इस तरीके से behave करेगा तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए हम अलग अलग केसेस लेकर चेक कर रहे होंगे अब अगला है प्रोग्राम करेक्टनेस। एरर्स मेकिंग इट इजियर टू स्पोर्ट रिमेन लाइक कि भैया आपने है ना इसके अंदर देखिए छोटे छोटे बहुत सारे एरर्स हैं इस प्रोग्राम इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर अब मैंने क्या किया बड़े बड़े जो भी दिख रहे थे मैंने उन उनको हटा दिया ठीक है जितने बड़े बड़े दिख रहे थे मेरे को हटा दिया मैंने तो अब ये छोटे छोटे है ना वो भी मेरे को दिखने लग गए वरना क्या हो रहा था ना कि जो बड़े बड़े थे वो आसानी से नजर नहीं आ रहे थे बड़े बड़े की वजह से छोटे छोटे मेरे को आसानी से नजर नहीं आ रहे थे तो सबसे पहला काम है कि जितने भी बड़े बड़े जो हमें एरर्स दिख रहे हैं उनको पहले ही हटा दो तो हम छोटे छोटे जो एरर्स हैं उनको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं

रीजनेबली कॉन्फिडेंट दिल बिहेव प्रॉपरली इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस इंपॉर्टेंट प्रसिप्ट है कि एक सर्वे से पता चला है कि वंस अ प्रोग्राम लार्ज एंड इंपोर्टेंट प्रोग्राम इज फुल्ली डिबकड एंड इन यूज लेस देन हाफ ऑफ द प्रोग्रामिंग एफर्ट

पढ़ पाओगे ठीक है मेंटेनेंस ऑफ द दैट इज नीडेड टू मीट न्यू रिक्वेस्ट अगर आप मान लीजिए कि मार्केट में आपका जो प्रोग्राम है आपका जो सॉफ्टवेयर है मार्केट जो यूजर्स हैं मार्केट में जो यूजर्स हैं उनको जो आपकी कस्टमर्स हैं उनको मतलब नई रिक्वेस्ट आप आपको दे दी कि भैया मेरे को तो है ना ये सारे फीचर्स जोड़ के दो मेरे सॉफ्टवेयर में ठीक है तो उस टाइम पे जब आप रीडिजाइन करोगे या फिर मान लीजिए कि इस आपकी एक प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट की टीम अलग है और प्रोग्रामिंग मेंटेनेंस की टीम अलग है तो अगर आपका जो प्रोग्राम आपने बनाते समय उसको अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया तो इनको लेस आधे से भी कम समय लगेगा इस पूरे प्रोग्राम को रीड करने करने के लिए नहीं तो क्या हो जाएगा कि भैया प्रोग्राम बनाने से ज्यादा तो मेंटेनेंस में टाइम खा जाएगा ठीक है तो ये बींग एन प्रोग्रामर डिजाइनर डेवलपर यू यू है reason, okay? मैं आपको एक और चीज बताता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अलग अलग स्टेजेस के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली सबसे पहले आती है रिक्वायरमेंट्स आप कि जो कस्टमर हैं वो आपको रिक्वायरमेंट देते हैं कि भैया ये चीज़ें मेरे को मेरे सॉफ्टवेयर में चाहिए फिर बीइंग एन आप एक एनालिटिक्स टीम नहीं असाइन करोगे उनको बताओगे कि भैया उसको एनालाइज करो ठीक है क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सकती है क्या क्या नहीं हो सकती है कोई एक प्राणी आए और वो कह दे कि भैया मेरे को तो भविष्य देखने वाला कंप्यूटर बना दो तो पॉसिबल नहीं है तो फिज़िबल है या नहीं है जो प, आ, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फिजिबल है या नहीं है उसको बनाना फिजिबल है या नहीं है कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो एक करोड़ का सॉफ्टवेयर बन रहा है तुम्हारा प्रोग्राम कस्टमर कह रहा है कि नहीं भैया मेरे बस की तो बात नहीं है इतने करोड़ रुपए देना तो ये भी देखना ज़रूरी है कि वो फिजिबल है या नहीं है तो वो इसी स्टेज पे अपन देख लेंगे फिर अपनी आती है डिज़ाइनिंग स्टेज क्योंकि मैंने बताया कि देखिए एक प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत सी स्टेजेस होती हैं तो ये डिज़ाइन स्टेज में हम ये देखते हैं कि एक प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशंस हैं और उन सॉल्यूशंस में कौन सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ठीक है हमें फिजिबल सॉल्यूशंस uh, के बारे में पता है कि दीज आर दी फिजिबल सॉल्यूशंस बट इनमें से कौन सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए फिर हम उसको कोड करेंगे ठीक है तो गाइज आप देख सकते हैं कि कोडिंग तो एक छोटा सा पार्ट है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में एक छोटा सा पार्ट छोटा सा नहीं कहेंगे लेकिन मतलब एक एक हिस्सा है है बस उसका उसके बाद में आता है टेस्टिंग अगर आपने अच्छे तरीके से कोडिंग किया है डॉक्यूमेंट किया है तो टेस्टिंग बहुत ही आसान हो जाती है फिर टेस्टिंग से भी हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं टेस्टिंग भी आपका डॉक्यूमेंटेशन का ही एक पार्ट है कि आपने अलग अलग केस स्टडीज लेकर प्रोग्राम को टेस्ट किया है आपकी जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट किया है फिर आपने उसको डिप्लॉय कर दिया फिर डिप्लॉयमेंट के बाद में आपकी दो स्टेजेज हो आती है कि मेंटेनेंस, मेंटेनेंस स्टेज आ गई उसके अंदर न्यू रिक्वायरमेंट आ गई फिर आपने न्यू रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया आपने सेम प्रोसेस जब तक कि आपका सॉफ्टवेयर रिटायर नहीं हो जाता जब तक आप इस साइकिल में ही रहोगे आप रिपीट करते रहोगे इसी साइकिल को सो होप गाइ आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अगर आपको कहीं पे भी इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मेरे को बताइए फीडबैक दीजिए गाइस तो मैं आप आने वाली वीडियोज़ में उसको और अच्छे से कर पाऊँगा ठीक है गाइज सो थैंक यू गाइज फॉर योर पेशेंस एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़